हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया के बीच खेली जाने वाली वनडे सीरीज के पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले की, जो ये खेला जाएगा हैमिल्टन के सेडन पार्क के अंदर 5 फरवरी को सुबह के 7:30 बजे से। और इस मैच का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार के ऊपर। अगर मैं सेडन पार्क की पिच रिपोर्ट के बारे में बात करता हूँ, काफी डिसेंट सा बैटिंग पिच है, यहाँ पे रन अच्छे से बन जाते हैं। एवरेज स्कोर के बारे में बात करता हूँ, वो रहा है यहाँ पे 252 रन, जो कि ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं है। स्टार्टिंग में यहाँ पे पेस बॉलर्स को भी अच्छी हेल्प मिलती है। टोटल यहाँ पे अब तक 26 मुकाबले खेले गए, जब 17 बार चेस करने वाली टीम को जीत मिली है, यानी एक काफी चेजिंग ग्राउंड होने वाला है। जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करना चाहेगी इस ग्राउंड के ऊपर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ होम टीम न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड की टीम T20 सीरीज के अंदर 5-0 से व्हाइट वॉश करवाती बिहारी है और वनडे सीरीज भी उनके लिए आसान होने वाली नहीं है। उनके तीनों मेन फास्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्गुसन और मैट हेनरी तीनों इस सीरीज से बाहर है इंजरी की वजह से। तीनों को 7 इंजरी हो चुकी है और ये तीनों इस सीरीज का पार्ट नहीं होंगे। और अभी ये न्यूज आ चुकी है कि इनके कप्तान केन विलियमसन भी स्टार्टिंग के 2 मैचों का पार्ट नहीं होंगे इंजरी की वजह से, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर है न्यूजीलैंड के लिए। उनके तीनों के तीनों फास्ट बॉलर, उसके अलावा उनके अच्छे कप्तान और उनके बेस्ट बैट्समैन केन विलियमसन भी मैच का पार्ट नहीं होंगे, तो न्यूजीलैंड की टीम को दिक्कत जरूर से आएगी इस मैच के अंदर भी। टीम साउदी को उनकी फास्ट बॉलिंग लाइनअप को लीड करना पड़ेगा। टीम साउदी का फॉर्म बहुत खराब रहा है, पर फिर भी टीम साउदी से सबसे ज्यादा टीम उम्मीद लगाएगी कि वो अच्छी बॉलिंग करेंगे इस टीम के लिए। टॉम लेथम वापस इंजरी से वापस आ चुके हैं, इंजरी से रिकवर हो चुके हैं, वो काफी अच्छे विकेट कीपर, काफी अच्छे मिडल ऑर्डर बैट्समैन, उसके अलावा वो टीम की कप्तानी भी करेंगे। वापस टॉम लेथम के ऊपर सबकी निगाह होने वाली है कि कैसी बैटिंग करेंगे इस मैच के अंदर। हेनरी निकल्स भी वापस टीम में आ गए हैं, हेनरी निकल्स टीम के लिए ओपनिंग करेंगे। डोमेस्टिक फॉर्म अच्छा रहा था हेनरी निकल्स का, तो वो भी जरूर से अच्छी ओपनिंग करने की पूरी कोशिश करना चाहेंगे। एस सोडी ने T20 में काफी अच्छी बॉलिंग करी थी और उनको सिर्फ पहले वनडे के लिए टीम में शामिल किया गया, नहीं इस वनडे में वो खेलेंगे और जरूर से वो भी अच्छा करने की पूरी कोशिश करना चाहेंगे। हैमिश बैरेट टीम के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फास्ट बॉलर होने वाले हैं। हैमिश बैरेट ने आखिरी के T20s में अच्छी बॉलिंग करी थी, वापस से वो वनडे के अंदर भी अच्छी बॉलिंग करने की पूरी कोशिश करना चाहेंगे। जिमी नीशम की वापसी से भी टीम स्ट्रांग होगी। जिमी नीशम एक काफी अच्छे बैट्समैन है और काफी अच्छे बॉलर भी, उनका फॉर्म भी बहुत अच्छा रहा था। वापस से जिमी नीशम एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है इस टीम का और रॉस टेलर सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन होंगे इस टीम के लिए। नंबर 4 के ऊपर खेलते हुए टेलर सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन होंगे न्यूजीलैंड के। तो न्यूजीलैंड के पास भले 2-3 अच्छे बैट्समैन आ गए हो, पर ये टीम स्ट्रगल करेगी। इनके तीनों फास्ट बॉलर नहीं खेल रहे, उसके अलावा केन विलियमसन भी बाहर हो चुके हैं, जिनकी जगह मार्क चैपमैन, जो कि पहले हांगकांग से खेलते हुए टीम में शामिल किया गया है। अगर मैं न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 के बारे में बात करता हूं, ओपनिंग करेंगे मार्टिन गप्टिल, हेनरी निकल्स, नंबर 3 पे मार्क चैपमैन, नंबर 4 पे रॉस टेलर, नंबर 5 पे टॉम लेथम, नंबर 6 पे जिमी नीशम, नंबर 7 पे कॉलिन डी ग्रैंड होम, फिर मिचेल सैंडनर, टिम साउदी, एस सोडी और हैमिश बैनेट। तो ये टीम होने वाली न्यूजीलैंड की और न्यूजीलैंड टीम जरूर से पहला मैच में अच्छा खेलने की पूरी कोशिश करना चाहेगा। अब मैं बात करता हूं इंडिया की टीम के बारे में। इंडिया की टीम काफी जबरदस्त खेलती हुई T20 सीरीज के अंदर और उन्होंने 5-0 से हराया न्यूजीलैंड। इस सीरीज से पहले उनको झटका लगा कि रोहित शर्मा बाकी की टूर से बाहर हो चुके हैं। रोहित शर्मा अपना वनडे खेलेंगे और रोहित शर्मा अपना टेस्ट मैचेस खेलेंगे, जरूर से टीम रोहित शर्मा को मिस जरूर से करने वाली है। मयंक अग्रवाल को उनका रिप्लेसमेंट लिया गया ओडीआई टीम के अंदर, तो जरूर से मयंक अग्रवाल के लिए अच्छी बात है, वो काफी टाइम से न्यूजीलैंड में, तो जरूर से अच्छी बात होगी मयंक अग्रवाल के लिए। अब देखने वाली बात होती है केएल राहुल कहां पे खेलते हैं। केएल राहुल काफी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। टूर से पहले विराट कोहली ने कहा था कि वनडे के अंदर केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, पर लगता नहीं है रोहित शर्मा की इंजरी के बाद लगता है कि केएल राहुल को ओपनिंग करनी पड़ेगी। एक बात पक्का हो चुकी, पृथ्वी शॉ इस मैच में डेब्यू करने वाले हैं, ऑलमोस्ट फिक्स हो चुका है पृथ्वी शॉ डेब्यू करेंगे वनडे के अंदर। जरूर से पृथ्वी शॉ को देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। विराट कोहली ऑब्वियसली बात है नंबर 3 के ऊपर अच्छा खेलने की पूरी कोशिश करना चाहेंगे और एक सेंचुरी जरूर से मारना चाहेंगे। बहुत टाइम हो गया विराट कोहली की सेंचुरी आए हुए। बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह ने काफी जबरदस्त बॉलिंग करी थी T20s के अंदर, वापस से जसप्रीत बुमराह अच्छी बॉलिंग करने का पूरा ट्राई करने वाले हैं। शार्दुल ठाकुर ने भी अच्छी बॉलिंग करी थी आखिरी के T20s, लग रहा है कि शार्दुल ठाकुर को आजमाया जाएगा वनडेज के अंदर भी। और स्पिन की जिम्मेदारी होगी युजवेंद्र चहल के कंधों के ऊपर। चहल ने अच्छी बॉलिंग करी T20, लग रहा है कि वनडे के अंदर भी उनको ही मौका मिलेगा कुलदीप यादव से ऊपर। ऋषभ पंत को टीम में मौका मिलना ऑलमोस्ट पक्का हो चुका है रोहित शर्मा की इंजरी की वजह से। ओपनिंग करेंगे केएल राहुल, यानी ऋषभ पंत को भी मौका मिलना ऑलमोस्ट पक्का है। ऋषभ पंत मौके को बनाने की पूरी कोशिश करना चाहेंगे। उसके अलावा मनीष पांडे ने भी अच्छी बैटिंग फॉर्म दिखाई थी और मनीष पांडे भी कंटिन्यू कर सके। तो मैं इंडिया के प्लेइंग 11 के बारे में बात करता हूं, तो ओपनिंग कर सकते हैं पृथ्वी शॉ और केएल राहुल, नंबर 3 में विराट कोहली, नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पे ऋषभ पंत, नंबर 6 पे मनीष पांडे, फिर रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, युजवेंद्र चहल और शार्दुल
शार्दुल ठाकुर, तो ये टीम होती इंडिया की और इंडिया की टीम भी ये मुकाबला जीतने की पूरी पूरी कोशिश करना चाहेगा। आप मुझे पोल में बताना मैच कौन जीतेगा, न्यूजीलैंड या मैच जीतेगा, फिर इंडिया या मैच जीतेगा, जरूर से बताना मुझे पोल के अंदर। और इस मैच की ड्रिल ऑन टीम आने वाली है स्क्रीन के ऊपर। अगर मेरे वर्ल्ड के बारे में बात करूं तो मेरे हिसाब से इंडिया का पलटा भरेगा इस मैच के अंदर भी। भले रोहित शर्मा बाहर चले गए पर इंडिया की बॉलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसके अलावा इंडिया की बैटिंग भी बहुत जबरदस्त है। न्यूजीलैंड ने अपने ऑलरेडी 3 फास्ट बॉलर मिस कर रहा है, उसके अलावा केन विलियमसन भी दिखेगा, न्यूजीलैंड के पास एक काफी कमजोर टीम है। मेरे हिसाब से इंडिया ये मैच आराम से जीत जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो का पसंद जरूर से आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी जरूर से करना सब्सक्राइब करना चैनल को इस तरह वीडियोस देखने के लिए। हमारी वीडियो का बहुत बहुत थैंक यू, मुलाकात होगी आपसे वीडियो के अंदर। और याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।